तो हेलो फ्रेंड, कैसे आए हो? अच्छे होंगे। तो मैं आज एक वीडियो और लेकर के आया हूँ टूल्स के ऊपर, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे या इससे पहले आप देख ले होंगे, मैं ये टूल के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो ये फिलहाल ये वीडियो है माइक्रोस्कोप अंडर 12,000 रुपये के अंदर में आप इसे माइक्रोस्कोप ले सकते हैं। इसको मैं फाइनली अनबॉक्सिंग करूँगा और इसको इंस्टॉल भी करूँगा आपके सामने। तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा। इसकी मैं प्राइस मेंशन कर दिया हूँ, प्राइस और भी डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, जिसमें आप डायरेक्ट रिसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से आप बात कर सकते हो। तो ये इसकी हम करते हैं अनबॉक्सिंग और वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा। इसका रिव्यू मैं बताऊंगा कि कैसा इसका रिव्यू आ रहा है, सारा चीज़ इसका इंटरफेस भी मैं दिखाने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ अंडर ये 12,000 के समथिंग में आ जाएगा, तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये है हमारा अडाप्टर, ये हमारा लाइट का अडाप्टर है एक चीज़। ये हमारा लाइट है LED, ये हमारा अडाप्टर का, ये हमारा ये केबल है सारी। ये हमारा कवर करने के लिए फ्रेंड्स, ये हमारा नीचे का ट्रे है, तो मैं भी इसको साइड कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारा जिसमें हमारा माइक्रोस्कोप सेट होता है, तो मैं ये सारा स्टेप अभी करके दिखाने वाला हूँ। बस अभी मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके साथ एक मैनुअल है, ये आप मैनुअल देख करके भी पढ़ सकते हो इसमें सारा। तो ये SZM, ये तो आप इसका लुक देख सकते हो, ये फाइनली ये लुक है। और मैं इसको अभी इंस्टॉल करूँगा फ्रेंड्स, और इंस्टॉल करके आपको मैं दिखाऊँगा इसका फाइनल लुक कैसा है। बाकी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर अच्छा दिखने से मैटर नहीं होता है, हमारा जो वर्क है इसमें ये वर्क अच्छा होना चाहिए फ्रेंड। मैं आपको बता दूँ, माइक्रोस्कोप ये अंडर मैंने आपको बता ही दिया है सारी चीज़ें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रांड है हमारा यहाँ पे, और ये सारा चीज़ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ इंस्टॉल करके फ्रेंड। तो वीडियो को बने रहे, आप वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखें, मैं इसका ओवरव्यू रिव्यू भी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले ये आपके साथ स्क्रू मिल जाएगा इसमें, इस मॉडल में, और ये एलंकी भी इसके साथ मिल जाएगी। तो आपको इसको कर लेना है, बेस को पहले टाइट कर लेना है सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हो ये स्क्रू इसके साथ मिल जाएगा। तो इसको स्क्रू के साथ, इसको एलंकी बोलते हैं, एलंकी के साथ इसको बेस को आपको टाइट कर लेना है। जब आपका बेस रेडी हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें काम करना है फ्रेंड्स। अब ये बेस कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम इंस्टॉल करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड। इसको ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम इसको करेंगे इंस्टॉल। ये देख सकते हैं ये हमारा फिक्स, और ये हमने कर लिया इसको टाइट। तो हमारा ये यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। अब हमें जब ये है, अब इसके बाद हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो ये फाइनली अब हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो आपको इसको कर लेना है फ्रेंड, क्योंकि मैं इंस्टॉलेशन के साथ ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। आपको सिंपल सा इसको कुछ नहीं करना है, ऐसा रख देना है ये हमारा, और यहाँ पे आपको स्क्रू को कर देना है टाइट। लगाने हैं लेंस, नीचे भी हमें लगाने हैं लेंस, यहाँ पे भी ये देख सकते हैं आप, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हम लगाएंगे 5x का लेंस लगाएंगे। और ये कैमरा ऑप्शन नहीं है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी हमारे लेंस लगेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब ये आप लगाएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे एक स्क्रू होगा जिसको आपको स्क्रू, ये देखिए आप थोड़ा पास करेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्क्रू दिखाई दे रहा होगा। आपको इसको ट्वीज़र से, स्टार वाले ट्वीज़र से आपको इसको ओपन करना है, उसके बाद ये इंस्टॉल करना है। ये है हमारा लेंस, मैं आपको बता दूँ। पर इसको लगाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे ये है कि हमें इसको स्क्रू से पहले, क्योंकि अंदर ये नहीं जाएगा, इसको हमें थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, उसके बाद इसको इन करना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ, हमने इसको लगा दिया है फ्रेंड। अब इसको आपको टाइट कर लेना है, नहीं तो आपका लेंस, जब इसको आप टाइट कर देंगे तो लेंस हमारा ये बाहर नहीं आएगा। बाकी अब इसको टाइट नहीं करेंगे तो आपका लेंस बाहर घूम सकता है या फिर गिर भी सकता है फ्रेंड। तो अभी हमारा जो ये लेंस है फिक्स हो चुका है, अभी हमारा लेंस बाहर नहीं आएगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, लेंस अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ लाइट। लाइट से पहले मैं इसको इंस्टॉल करूँगा फ्रेंड, इसमें 5x का लेंस। तो 5x का लेंस फ्रेंड ये हमारा देख सकते हैं, 5x का ये लेंस है। अब हम इसको 5x का लेंस हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे फ्रेंड। ये हमने 5x का लेंस भी यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो। इससे 5x लगाने का प्रॉफिट ये हो जाएगा कि हमें यहाँ पे हाइट मिल जाएगी फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो काम करने के लिए यहाँ पे हमें हाइट मिल जाएगी, सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो अब चलिए हम इसको फाइनली, और भी अब इसमें लगाने हैं हमें लाइट्स, हम इसमें लाइट भी इंस्टॉल कर ही देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लाइट को इंस्टॉल कर दिया है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जो आपको कम दिख रहा है, आप यहाँ पे ये इसका रजिस्टर है, आप यहाँ से ये लाइट कम ज़्यादा भी कर सकते हो, देख सकते हो। ये बेनिफिट बहुत अच्छा है फ्रेंड कि आपको कम लाइट में देखना है, आपको ज़्यादा लाइट में देखना है तो ये। अब मैं इसको ओवरऑल ये देख सकते हैं, जितना आप इसको हाई करेंगे आपको यहाँ पे हाई दिखाई देगा और बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड अब इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं चारों तरफ से, बाकी ये बहुत अच्छा है। मैंने इसको भी ट्राई किया है, मैंने यहाँ पे बोर्ड रखा हुआ है,
इसके लिए एक ट्रे भी आता है, आप ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसको आपको दिखाऊंगा, ये इसका साइड प्रोफाइल। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देख सकते हैं बोर्ड की क्लियरिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख रहे कितना वाइट। जब मैं इसको अपने आई से देख रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्लियर कट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे मैं ओवरऑल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है फ्रेंड इसका जो ओवरऑल मैंने जो देखा था, जितना मैंने सोचा था अगर ये वाइट होगा कि नहीं होगा, अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा आप देख सकते हैं मैं कैमरे के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। जब कैमरे के थ्रू ऐसे कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं तो बेसिकली अगर मैं आई के साथ देखूंगा तो बहुत ही अच्छा क्लियर कट हमें दिखाई देने वाला है। तो आई होप प्राइस के हिसाब से मैं बात करूँ तो प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है और ये अंडर 12,000 रुपये तक आपको आ जाएगा, और प्राइस के हिसाब से तो मेरे को बहुत अच्छा लगा फ्रेंड। बाकी आप इससे ऊंचा वर्जन भी ले सकते हो। तो ये वीडियो आपको अगर कैसा लगा फ्रेंड तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो मैंने डिटेलिंग इंस्टॉलेशन आपको बताई, इसके बारे में डिटेल बताई आपको कि आप इसका देख सकते हैं, और मॉडल भी मेंशन हमने कर दिया है। बाकी ओवरऑल ये बहुत अच्छा है, आप यहाँ से लाइट का एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा आपको जितना आपको चाहिए, आप वहाँ पे इतना लाइट भी आप देख सकते हो, जितना आपको कम ज़्यादा लाइट चाहिए, जितना आपको ब्राइटनेस चाहिए आप वहाँ पे ब्राइटनेस को भी सेट कर सकते हो, जो कि ओवरऑल मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितना क्लियर कट आप यहाँ पे देख सकते हैं उतना क्लियर कट यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो आई होप मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके आप भी बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।